सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूमसेट चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे पीका नाल के इस नए फीचर के बारे में। क्या आपको ये पहले से मालूम था? यदि मालूम था तो आप हमको कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ताकि आपको लूम सेट से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप आराम से सीख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पट्टी दिखाई दे रही है। तो ये पट्टी किसकी है? तो ये पट्टी स्टिच नोजल की है। इसमें एक ऐसा फीचर दिया हुआ है कि जिसमें आप किसी भी वाल्व को स्टिच नोजल बना सकते हैं। जैसे कि पुराने जो मशीन होता था उसमें लास्ट में ही स्टिच वाल्व दिया हुआ होता था। उससे आपको जैसे विड्थ छोटा करना है तो वहाँ से आपको पाइप जोड़ करके लेके आना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका लास्ट नोजल जो भी पड़ता है, या तो 14 नंबर पड़े या तो 15 नंबर पड़े, उसी को आप स्टिच नोजल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि आपका विड्थ छोटा हो गया, ठीक है ना। जब छोटा हो गया तो आपको वहाँ से पाइप जोड़ के लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको इस फीचर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया फंक्शन खुलेगा। तो वो नया फंक्शन इस तरह से खुलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जैसे हमने 14 नंबर को स्टिच नोजल में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको सीधा क्या करना है कि इस वाले फंक्शन पे जैसे ही आप खोलोगे तो कुछ इस तरह से, मतलब बंद दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से आपका ये बंद रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इसको ऑन कर देना है। जैसे ही इसको ऑन करोगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है ना। इसमें आपसे वो पूछेगा कि आपको नोजल किस तरह का है, यानी आपने सिंगल का लगाया है या डबल का लगाया है, या एक जो एफडी के पास में रहता है उस तरह का लगाया है। यानी स्टिच नोजल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आपने कौन सा लगाया हुआ है उस वाले को आपको सेलेक्ट कर देना है। आपने यदि डबल वाला लगाया है तो इसको सेलेक्ट कर देना है, सिंगल वाला लगाया है तो इसको सेलेक्ट कर देना है। और जो एफडी के पास ऐसे मुड़ के आता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, तो एक इस तरह से, तो इसको सेलेक्ट कर देना है और इसको ऑन कर देना है। जैसे ऑन करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका कौन सा नोजल है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। या आप 14 नंबर में लगा रहे हैं, या 15 नंबर में लगा रहे हैं, या 16 नंबर में लगा रहे हैं, इस तरह से आप जिस वाल्व को चाहें उस वाल्व को स्टिच नोजल में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप टाइमिंग डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।